बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्पोर्टर मूवमेंट के अंदर रिपेयर ऑफ द ब्रोकन बोन्स के बारे में बात करेंगे। सो इससे पहले हमने बोन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, बोन्स की डिजीज पढ़ी। सो आज हम ब्रोकन बोन्स की रिपेयरमेंट की बात करेंगे, यानी जो फ्रैक्चर्स होते हैं या खुदा न खास किसी तरीके से हड्डी टूट जाती है तो वो किस तरह रिपेयर होती है। सही। सो वैसे तो जो यंग एजेस होती हैं, ठीक है, कि जवानी के अंदर यंग एज में यूजली एक्सीडेंट्स से होते हैं ना, एक्सीडेंट्स की वजह से बोन फ्रैक्चर होती है। सही। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या ट्रामा मास इंजरी होती है बाज़ का, तो उसकी वजह से इंजरी होती है। जबकि ओल्ड एजेस के अंदर, ओल्ड एजेस के अंदर जो उनसे कह लें कि इंजरी होती है, वो ये होता है कि यानी कि बोन्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, बोन्स वीक होती हैं जिसकी वजह से बोन्स ब्रोक हो जाती हैं, ठीक है, टूट जाती हैं। सो ओल्ड एजेस में फिर बोन्स वीक होने की वजह से टूटती हैं और फिर इनकी रिपेयरमेंट स्लो होती है, स्लो रिपेयर, रिपेयर जो उनसे हैं ये स्लोली होंगी। सही। सो खैर, हमारा जो आज कह लें कि जो हमारा कंसर्न रहेगा वो एक्सीडेंट से रिलेटेड जो बोन्स इंजरी होंगी, खास वो जो यंग एजेस में होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। आपको फिगर में भी नजर आ रहा है कि मसलन ये अब ह्यूमरस, ठीक है, कि ह्यूमरस है, ह्यूमरस जो सा ये आप कह लें कि मिडिल पोर्शन से ब्रेक हुआ हुआ है, ठीक है, इसे बोन फ्रैक्चर कहेंगे। सो बोन फ्रैक्चर का होता है, यानी कोई भी एक्सीडेंट होता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, बोन फ्रैक्चर होगा। फ्रैक्चर होने के फौरन बाद क्या किया जाता है कि उस पेशेंट को ले जाया जाता है, उसका एक्सरे लिया जाता है। सही। देन यानी रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर कह लेंगे किसी भी हॉस्पिटल में जो एक्सरे होती है, ठीक है, एक्सरे से उसके हम कह लें कि उसका एक्सरे इमेज लेते हैं। एक्सरे इमेज के अंदर बोन्स क्लियरली नजर आते हैं, अदरवाइज क्योंकि बोन्स इनसाइड द बॉडी होती है वो हमें नजर नहीं आ रही होती, तो हम उसका एक्सरे लेते हैं। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्चर नजर आ रहा है, ये अब ह्यूमरस का फ्रैक्चर है। सही। सो एक्सरे के अंदर क्लियर नजर आ जाता है। इसके बाद जब एक दफा एक्सरे रिसीव हो जाता है, फिर उसकी की जाती है, सॉरी, यानी उसको दोबारा नॉर्मल अनाटमी के अंदर लेके आया गया, ठीक है, यानी जो बोन्स की असर अनाटमी है, जो स्ट्रक्चर उसके मुताबिक, यानी इसको हम कहते हैं रिडक्शन। सही। कि बोन्स को वापस अपनी प्लेस में रखना, ठीक है, कि री एस्टैब्लिशमेंट, यानी इसके अंदर हम री एस्टैब्लिश करते हैं, सॉरी स्पेलिंग फॉर मिस्टेक हो रही है, री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोन्स अनाटमी, ठीक है, बोन्स अनाटमी, यानी बोन्स को वापस अपनी जगह पे लेके जाना पड़ता है। सही। तो इसके अंदर दो प्रोसेस रिडक्शन में कह सकते हैं कि एक ओपन रिडक्शन होती है और एक क्लोज रिडक्शन होती है। सही। कि रिडक्शन की अगर हम टाइप्स करें, इसमें ओपन रिडक्शन हो सकती है और एक इसमें क्लोज रिडक्शन होगी। सही। ओपन रिडक्शन, मतलब यहाँ पे आपको रिडक्शन नजर आ रहा है। सो ये बोन थी, फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, फिर इसको नॉर्मल प्लेस में लेके आया, फिर ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल अनाटमी में आ गया। सही। ओपन रिडक्शन किसे कहते हैं, जो सर्जिकली हो, ठीक है, समथिंग विच इज डन सर्जिकली, यानी इसके अंदर जो भी कह लें कि जिस जगह पे फ्रैक्चर हुआ है बोन का, उसको सर्जिकली, ठीक है, सर्जिकली से मरा देनी, कोई ब्लेड से उसको कट किया जाएगा स्किन से, फिर मसल मास को थोड़ा सा रिमूव करके साइड पे करके, और जो फिजिशियन होता है, जो सर्जन होता है, वो हाथों से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए बोन्स को अपनी वापस एनाटॉमी में जोड़ेगा। जबकि क्लोज में क्या होता है, क्लोज के अंदर ये जो फिजिशियन होगा वो बगैर सर्जरी के, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट सर्जरी, ठीक है, जो बोन्स है वो अपने बोन्स की एनाटॉमी को वो इस्टेब्लिश करवाता है। सही। सो यानी रिडक्शन है, या इसे रीअलाइनमेंट भी कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका क्या होगा, रीअलाइनमेंट, ठीक है। सो रिडक्शन सारा प्रोसेस है, जबकि जो कह लेंगे ओरिजिनल सिमेट्री जो बोन्स की है, या ओरिजिनल शेप जो उनकी है, या एनाटॉमी जो मेंटेन करना, उसे रीअलाइनमेंट कहेंगे बोन की ना। सो ये अगर फिजिशियन कर रहा है विदाउट सर्जरी तो ये क्लोज रिडक्शन होगी, और अगर कोई सर्जिकली इसकी कह लेंगे रिडक्शन हो रही है कि बोन को अपनी जगह पर लाने के लिए सर्जरी हो रही है, सो इसे हम ओपन रिडक्शन कहेंगे। सही। सो सबसे पहले रिडक्शन होती है, और एक दफा जब रिडक्शन यानी कंप्लीट हो जाती है, यानी बोन अपने रीअलाइनमेंट पोजीशन में आ जाती है, अपने असल पोजीशन में, उसके बाद फिर बोन रिपेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। समटाइम्स जब रिडक्शन नहीं होती, सो बोन जो है वो कह लें कि
सही तरह नहीं जुड़ती, ठीक है, वो हम बाद में बात करते हैं क्या उसमें प्रोसेस होता है। सो एक दफा आपने रिडक्शन करवा ली, रीअलाइनमेंट हो गया, उसके बाद ये स्टेजेस हैं बोन फॉर्मेशन की, सही। तो इसमें कह लें कि 4 स्टेजेस होती हैं, और इसके अंदर जो टाइम लगता है 8 to 12 वीक्स लगते हैं, ठीक है, यानी हीलिंग टाइम जो सा है, हीलिंग टाइम वो 8 से 12 वीक्स लगते हैं, सही। और ये इसके स्टेजेस होते हैं, मतलब सबसे पहले जब बोन फ्रैक्चर होती है ना, ठीक है, यानी ये बोन फ्रैक्चर हुई तो उसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो सारी कह लें कि कट ऑफ हो जाती हैं, फिर उसकी वजह से ब्लड जमा हो जाता है, सही। जितनी बोन्स, सॉरी, बोन्स में से ब्लड निकलेगा, फिर जो इसके नेबरिंग टिश्यूज है उसमें से ब्लड निकलेगा, तो यहाँ पे ब्लड जमा हो जाएगा, ठीक है, इसे हम हीमाटोमा कहते हैं, ठीक है, इट इज नोन एज हीमाटोमा, सही, यानी ये कह लें कि कॉम्पैक्ट ब्लड मास इधर जमा हो जाता है, सही। और फिर जो इसके नेबरिंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो डाई होना शुरू हो जाता है क्योंकि वहां पे ब्लड नहीं पहुंच पाता सही तरीके से। सो सबसे पहले हेमाटोमा बनेगा, और ये बड़ा पेनफुल होता है, ठीक है, यहाँ पे के बहुत ज्यादा पेन फील होती है आपको, कि जर पता है हड्डी की चोट होती है, सही, ये बड़ी पेनफुल होती है। सो हेमाटोमा बनेगा, उसके बाद ये कैलस फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, यानी अब बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, कि इसमें ये कह लें कैपिलरीज दोबारा बनेंगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स नहीं बनेंगी, और स्पॉन्जी बोन जो है वो बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है, और ये आपको हल्का हल्का कैलस नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये कैलस फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसे सॉफ्ट कैलस भी कहा जाता है, ठीक है, फिब्रो कार्टिलेजियस कैलस है, कार्टिलेजियस कैलस इस वजह से हम सॉफ्ट कैलस भी कहते हैं। दूसरा क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन होगा, सही, इसके अंदर 2 स्टेप्स हो रहे हैं, तो ब्लड वेसल्स बन रही हैं, आपको नजर आ रही होंगे ब्लड वेसल्स बनी हिमाटोमा की जगह पे, और इसके अंदर कनेक्शन बोन्स के दिमाग कनेक्शन डेवलप हो रहा है बाय सॉफ्ट कैलस जो कि फिब्रोकार्टिलेजनेस होता है। अच्छा, सॉफ्ट कैलस की फॉर्मेशन के साथ साथ इसका डेब्रिस रिमूव होगा, यानी रिमूवल ऑफ डेब्रिस के जो भी कह लें कि रिजल्ट के अंदर, यानी इंजरी के रिजल्ट के अंदर जो सेलुलर प्रोडक्ट्स जमा हो जाएंगे उसे हम डेब्रिस कहेंगे, सो डेब्रिस रिमूव होगा। इसके साथ साथ ओस्टियो ब्लास्ट प्लस फिब्रोब्लास्ट, ये दोनों बोन फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं दोनों, फिब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट, जिसमें हमने ओस्टियोब्लास्ट पहले पढ़ा हुआ है जो कि बोन फॉर्मिंग सेल है, जबकि फिब्रोब्लास्ट जो है ये फाइबर्स बनाता है, ठीक है, ये भी बोन्स के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। सो ओस्टियोब्लास्ट और फिब्रोब्लास्ट की माइग्रेशन होगी, ठीक है, माइग्रेशन, सो यानी ब्लड्स में से ओस्टियोब्लास्ट और फिब्रोब्लास्ट, ये कह रहे हैं कि जो बोन है ये इटसेल्फ ओस्टियोब्लास्ट और फिब्रोब्लास्ट बनाती है जो कि इसके सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ डेब्रिस होगी, और क्या हो रहा है इसके अंदर, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज फॉर्मेशन, कैपिलरीज फॉर्मेशन भी हमने देखे किसके अंदर कैपिलरीज बन रही है। सो ये सेकेंड स्टेप के अंदर हो रहा है कैलस फॉर्मेशन के अंदर, फिर यानी कह लें कि ये 3 से 4 वीक में स्टार्ट होता है, सही, और 3 से 4 वीक के बाद यही जो सॉफ्ट कैलस होता है ये बोनी कैलस फॉर्मेशन के अंदर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी यही ओस्टियोब्लास्ट और फिब्रोब्लास्ट यहाँ पे माइग्रेट हुए थे, अब वो कह लें कि एक स्पॉन्जी बोन स्ट्रक्चर बना रहे थे, उस स्पॉन्जी बोन स्ट्रक्चर के अंदर अब कैल्शियम फास्फेट या इस तरह के मिनरल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कह लेंगे जो थर्ड स्टेप है इसके अंदर ओस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट जो कि बोन बनाता है प्लस ओस्टियोक्लास्ट, दोनों की एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट की भी एक्टिविटी होती है और ओस्टियोक्लास्ट की भी एक्टिविटी होती है। ओस्टियोब्लास्ट जो बोन को यानी बनाएगा, इसके अंदर साल्ट की डेपोजिशन करेगा, ठीक है, जबकि ओस्टियोक्लास्ट जो टिश्यू डेब्रिस है, रिमेनिंग टिश्यू डेब्रिस, उसको रिमूव करता जाएगा, सही, यानी जो पीसेस बनेंगे बोन्स के वो नॉन यूजफुल होंगे, सो उसको वो डाइजेस्ट करेगा ताकि उसकी जगह पे यूजफुल बोन बन सके। और इसमें अगर आप देखें तो आपको क्लियर अब ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, और जो पहले स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर था, ठीक है, बोन का, वो अब आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होता जा रहा है, इसमें मिनरल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, सही, और ये तकरीबन यूनियन सी बनती है बोन्स के दरमियान, एक बोनी कैलस की यूनियन बनती है, इसमें 2 से 3 महीने लगते हैं, सही, फ्रैक्चर के 2 से 3 महीने बाद।
फिर इस बोन रिपेयर का लास्ट स्टेप आता है, मैंने बोनी कॉलस फॉर्मेशन के बारे में, सबसे पहले हिमाटोमा फॉर्मेशन था कि ब्लड जमा हुआ था, एक्युमुलेट हुआ, फिर वो कार्टिलेजियस कैलस फॉर्मेशन बनी जिसे हम सॉफ्ट कैलस कहते हैं, फिर बोनी कैलस बनी, बोनी कैलस के बाद लास्ट जो फेज रहता है वो रिमॉडलिंग रहता है, सही, कि एक दफा बोन्स का दरमियान ज्वाइंट बन गया वो हार्डेंड होता जाता है और फिर जो इसके कह लें कि आउटसाइड जो बोन्स जो से मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो इसकी कह लें कि शेप को वापस मेंटेन करते हैं, ठीक है, इसकी शेप यानी अनाटमी प्लस फिजियोलॉजी, अनाटमी प्लस फिजियोलॉजी ऑफ बेन, ठीक है, कि उसका नॉर्मल फंक्शन भी और उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर भी वो दोबारा का यानी अटेन हो जाता है, बोन्स दोबारा अपने नॉर्मल फंक्शंस में और नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर वापस आ जाती है, सही, और ये कह लेंगे प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तकरीबन, इसमें भी महीना या 1.5 महीने लगते हैं, सही। सो इसके अंदर फिर ये भी होता है कि आप बोन्स की किस तरह केयर करते हो, लाइक अगर आप ज्वाइंट उस ज्वाइंट जिस बोन में फ्रैक्चर हुआ उसके साथ आप काम करते रहोगे तो जाहिर बात है उसे थोड़ा ज़्यादा अर्सा लगेगा, लेकिन अगर आप रेस्ट पे रहोगे और साथ आपकी न्यूट्रिशन डाइट भी ठीक होगी तो ये जल्दी कह लेंगे बोन फॉर्मेशन का अमल होगा, सही। बाज दफा क्या होता है कि बोन सही तरह जुड़ नहीं पाती, यानी कह लेंगे बोन उनकी जो रिडक्शन होती है वो सही नहीं होती, माल यूनियन हो जाता है, मसलन आपको आपका एक्सीडेंट होता है, आप डॉक्टर के पास लेट पहुंचते हो या फिर डॉक्टर उसका एक्सरे लेना भूल जाता है और इसी तरह पट्टी कर देता है, रिजल्ट में क्या होगा कि बोन्स सही नहीं जुड़ेंगे, सही, एक माल यूनियन होता है कि वो सही तरीके से नहीं जुड़ती, यानी उसकी सही अनाटमी नहीं आपको मिलती है, जबकि दूसरे से नॉन यूनियन होता है कि ठीक है कि आपने केयर ही नहीं की, फ्रैक्चर होता है किसी वजह से और आपके इर्द गिर्द कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, जिस तरह मेडिकल फैसिलिटीज ना हो, एक्सरे वगैरह, सो आप इसी तरह रहने दो उस फ्रैक्चर को तो वो टूट सकता है, सही, फ्रैक्चर सॉरी टूट क्या है मैं यानी वो जुड़ेगा नहीं वहां से, इसे नॉन यूनियन कहेंगे। सो अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, मसलन हमने क्या क्या स्टडी किया इसके अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रोकन बोन्स, तो हमने कहा जी यंग एज के अंदर एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर होती है, ओल्ड एजेस के अंदर वीक बोन्स की वजह से, वीक बोन फिजियोलॉजी की वजह से वो टूटती है, सही। फिर उसके बाद हमने ह्यूमरस का देखा फ्रैक्चर, फिर हमने कहा जब बोन फ्रैक्चर होगा किसी भी एक्सीडेंट की वजह से आप उसके एक्सरे करवाओगे, एक्सरे के अंदर वो क्लियर नजर आएगा, फिर किसी फिजिशियन के पास सर्जन के पास जाओगे वो उसकी रिडक्शन करेगा यानी उसकी बोन्स की एनाटॉमी को रीस्टैब्लिश करेगा, ठीक है, उसके लिए फोर्स का यूज हो या फिर इसमें यूजली पेन किलर्स दिए जाते हैं, ठीक है, इस स्टेप के अंदर ना यानी एक्सरे के बाद आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं क्योंकि पेन बहुत होता है, सो पेन किलर्स दिए जाते हैं, मसलन पेन किलर, अच्छा उसके बाद रिडक्शन होगी, रिडक्शन के अंदर री स्टैब्लिश में तो बोन एनाटॉमी इसमें ओपन हो सकती है, क्लोज, ओपन से मतलब सर्जिकली यानी स्किन को कट करके अंदर बोन्स को रीअलाइन किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ क्लोज यानी विदाउट सर्जरी, ठीक है, इसमें सर्जरी इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे मैं वाई लिखना भूल गया, सॉरी, विदाउट सर्जरी। सो रीअलाइनमेंट के बाद या इस रिडक्शन के बाद बोन फॉर्मेशन का स्टेप स्टार्ट होता है, सही, इसमें चार स्टेप्स हैं, सबसे पहले हिमाटोमा फॉर्मेशन के जब बोन ब्रेकअप होते हैं तो ब्लड कैपिलरीज में से ब्लड जो है बाहर जमा हो जाता है और इस तरह वो हिमाटोमा बनाता है, ठीक है, जो उसे आप उर्दू में नील कहते हैं, यानी उस जगह पे नील पड़ जाता है, सही, और ये बहुत पेनफुल होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हिमाटोमा के जगह पर स्पॉन्जी बोन जो है वो अपना या कार्टिलेजनस बोन जो है वो अपनी जगह बनाना शुरू करता है, ठीक है, इसे हम कार्टिलेजनस बोन फॉर्मेशन कहेंगे, और फिर वहां पर कैपिलरीज डेवलप होना शुरू होंगी और फिर कैपिलरीज यानी ब्लड सप्लाई के लिए यूज होते हैं, सही, और फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो छोटा छोटा नेटवर्क बन रहा है स्पॉन्जी बोन्स का, बकाया ये कैलस है, और फिर ऐसा आहिस्ता ये कैलस जो है बोनी कैलस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसके अंदर कैल्शियम फास्फेट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं, और फिर ये बोनी कैलस की रीमॉडलिंग होगी कि इसकी दोबारा बोन की जो अनाटमी है और फिजियोलॉजी दोनों में दोबारा रिकवर हो जाती है, सही। सो इसमें जो कैलस फॉर्मेशन था सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन उसमें हमने देखा तो चार फेजेस थे सॉफ्ट कैलस बनने का, किस तरह रिमूवल ऑफ डेब्रिस के डेब्रिस रिमूव होंगे, ओस्टियोब्लास्ट आएंगे बोन बनाने के लिए, फिब्रोब्लास्ट आएंगे बोन को मजबूत करने के लिए, और कैपिलरीज होंगे जो कि उसमें नेटवर्क्स बनेंगे कैपिलरीज के, और लास्ट है इसमें माल यूनियन के, बाद दफा बोन्स जो होते हैं वो सही तरह जुड़ती नहीं है, ठीक है, इसे हम माल यूनियन कहेंगे, या फिर बाज का नॉन यूनियन होता है कि सही तरह फिजिशियन उसकी रिडक्शन नहीं कर पाते या फिर आपको हेल्थ फैसिलिटी सही अवेलेबल नहीं होती, एक्सरेज नहीं होते, सो ये इसके कह लेंगे आउटकम्स हो सकते हैं अगर आप
सही, इसकी केयर नहीं करते। सही। सो ये बोन्स रिपेयर के बारे में था आज सारा हमारा। अगले लेक्चर्स के अंदर हम मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे।